निरंथा की मारी महाराज को बहुत दूर ले गया। अब तो सारे जवान घबरा गए, कहने लगे भैया जल्दी से छोटी रानी को खबर दो कि महाराज एक हिरण का पीछा करते हुए चले गए। मैंने बहुत कुछ पता लगाया लेकिन महाराज का कुछ सुराग नहीं चला। सारी जवान भागते हुए आई और छोटी रानी के दरवाजे पे किवाड़ खटखटाने लगी। ओ महारानी सेवा किवाड़ खोलो, ओ महारानी सेवा किवाड़ खोलो, महाराज एक हिरण का पीछा करते हुए चले गए। मैंने बहुत कुछ पता लगाया लेकिन महाराज का कुछ सुराग नहीं चला। सुरची ने किवाड़ खोले और कहने लगी जवानों तुम घबरा गए, मेरे पिया बहुत बलशाली है, मेरे पिया का कोई बार बांका नहीं कर पाएगा, तुम जाकर के विश्राम करो। मेरे भैया इधर तो सारे जवान विश्राम करने लगे और इधर रात्रि के 12 बजे महाराज लौट करके आए और छोटी रानी के दरवाजे पर पहुंचे के बाद खटखटाई। सुरची किवाड़ खोलो, सुरची किवाड़ खोलो, अरे क्या तू भी सो गई, अब कोई हो तब तो किवाड़ खोले। अरे सुका नींद में सो गई भैया महाराज को बहुत दूर ले गया। अब तो सारे जवान घबरा गए, कहने लगे भैया जल्दी से छोटी रानी को खबर दो कि महाराज एक हिरण का पीछा करते हुए चले गए। मैंने बहुत कुछ पता लगाया लेकिन महाराज का कुछ सुराग नहीं चला। सारी जवान भागते हुए आई और छोटी रानी के दरवाजे पे किवाड़ खटखटाने लगी। ओ महारानी सेवा किवाड़ खोलो, ओ महारानी सेवा किवाड़ खोलो, महाराज एक हिरण का पीछा करते हुए चले गए। मैंने बहुत कुछ पता लगाया लेकिन महाराज का कुछ सुराग नहीं चला। सुरची ने किवाड़ खोले और कहने लगी जवानों तुम घबरा गए, मेरे पिया बहुत बलशाली है, मेरे पिया का कोई बार बांका नहीं कर पाएगा, तुम जाकर के विश्राम करो। मेरे भैया इधर तो सारे जवान विश्राम करने लगे और इधर रात्रि के 12 बजे महाराज लौट करके आए और छोटी रानी के दरवाजे पर पहुंचे के बाद खटखटाई। सुरची किवाड़ खोलो, सुरची किवाड़ खोलो, अरे क्या तू भी सो गई, अब कोई हो तब तो किवाड़ खोले। अरे सुका
सुरची के बाद खोलो। अरे तो पेशवर सब सो गई, जैसे तीस छिड़ ली। और जब पति को मुझे सूरत तक देखने के लिए नहीं मिल रही है बाबा, मैं कैसे पुत्रवती हो जाऊंगी? असंभव है, असंभव है। तुम्हें शंका है महात्माओं की बात? पूर्ण रूप से एक बात सुन, लौट जाइए।